नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। और आज टीम इंडिया ने T20 विश्व कप में एक शानदार प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने भी, गेंदबाजों ने भी, और स्कॉटलैंड को भारतीय टीम ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने बहुत जल्दी इस मैच को जीत लिया। आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं आज के मैच के 5 बड़े हीरो जिनकी वजह से भारतीय टीम ने इस मैच को जीता, लेकिन उन सारे खिलाड़ियों की बात करें उससे पहले अभी के अभी हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो टीम इंडिया के आज जो सबसे बड़े हीरो रहे आज के मैच के, वो थे जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, जिन्होंने 3.4 ओवर गेंदबाजी की और 10 रन देकर के 2 विकेट निकाले, जिसमें एक मेडन भी था। शानदार गेंदबाजी एक बार फिर बुमराह की तरफ से देखने के लिए मिली। पहले मैच में उनकी गेंदबाजी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, दूसरे मैच में भी कुछ उस तरह के नहीं देखे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है उसे लग रहा है कि आने वाले मैचों में वो एक बहुत बड़ा कारनामा करने वाले हैं। तो टीम इंडिया के जीत के दूसरे बड़े हीरो थे, वो थे मोहम्मद शमी। जी हां, मोहम्मद शमी ने आज कमाल की गेंदबाजी की, 3 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने झटके और स्कॉटलैंड की टीम को एक बार बैक फुट पर ढकेलने का पूरा काम किया। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी की उनका पूरा साथ मोहम्मद शमी ने भी दिया और 1 ओवर में 2 विकेट लिए, लगातार 3 विकेट गिरे। हालांकि लोग कुछ मान रहे हैं कि हैट्रिक भी है, लेकिन वो हैट्रिक नहीं है। पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया, उसके बाद रन आउट हुआ और तीसरी गेंद पर फिर मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया, लेकिन कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शमी की तरफ से देखने के लिए मिली। उन्होंने उन आलोचकों को एक बार तमाचा मारा है जो उनको लगातार ट्रोल कर रहे थे। टीम इंडिया की जीत के जो तीसरे सबसे बड़े हीरो थे वो रहे रविंद्र जडेजा। जी हाँ, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अभी तक जो भी मैच खेले थे, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला या अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, उसमें उस तरह का प्रदर्शन उनका नजर नहीं आ रहा था, खासतौर से गेंदबाजी में। लेकिन आज 4 ओवर में 15 रन देकर के उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए और शानदार फील्डिंग का भी उनकी तरफ से प्रदर्शन नजर आया। तो भारत ने जिस तरह से मैच अपने नाम किया उसमें इन 3 तेज गेंदबाजों का बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है, खासतौर से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा का। ये 3 आज के जीत के हीरो थे गेंदबाजी के तौर पर। और अब हम बात करेंगे बल्लेबाजी की। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए और भारत को 86 रनों की जरूरत थी और भारत को 7.1 ओवर में यानी कि 43 बॉल्स पर इस मैच को जीतना था। और उसके बाद जब सलामी जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा और केएल राहुल आए तो उन्होंने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी की और इस जीत के एक सबसे बड़े हीरो केएल राहुल भी रहे। केएल राहुल ने आज 19 गेंदों पर 50 रन की शानदार आक्रामक पारी खेली। ऐसा लगा जैसे वो आईपीएल में, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले यूए में जो आईपीएल हो रहा था अपनी टीम पंजाब किंग्स के लिए वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और 50 रन पूरे किए केवल 19 गेंदों में। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके भी अपनी पारी के दौरान लगाने में कामयाब हासिल की। बहुत शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से हमें देखने के लिए मिली है इस मैच में। भारत की जीत के जो आखिरी सबसे बड़े हीरो रहे यानी कि 5वें हीरो की बात करें तो वो थे रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली, शानदार 30 रन की। राहुल जिस तरह से आक्रामक अंदाज अपनाए हुए थे, रोहित शर्मा ने भी दूसरे छोर से आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन रोहित उतने आक्रामक नहीं थे जितने राहुल थे, लेकिन उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज के मैच में किया है। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 1 छक्का और 5 चौके लगाए। तो ये आज की टीम जो भारत ने मैच जीता है उसके सबसे बड़े हीरो जो भारत ने आज 8 विकेट से मैच जीता है, इस जीत के ये 5 बड़े हीरो रहे। और अब भारत को नामीबिया के खिलाफ 8 तारीख को मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले 7 तारीख को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होना है। न्यूजीलैंड अगर हार जाता है और अफगानिस्तान इस मैच को जीत लेता है तो भारत के लिए फिर सेमीफाइनल के रास्ते खुल जाएंगे। आगे जो अपडेट्स होंगे वो भी हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एनएन स्पोर्ट्स पर ही रहना है। अगर आपने हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जो दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, लगातार आपके लिए अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।